नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तान हारेगा और पस्त होगा। आज पूरा देश यही दुआ मांग रहा है। अगर ये दुआ कबूल होती है तो पटाखे फूटेंगे, मिठाइयां बटेगी, लेकिन सबसे बड़ा जश्न होगा सरहद पर जवानों के बीच, क्योंकि मात देश के सबसे बड़े दुश्मन की होगी। बेसब्र हो रहे हैं मोर्चे पर डटे जवान, जब मैदान में बेदम होगा पाकिस्तान। तब सरहद पर मनेगा शानदार जश्न। ये लोग असली हीरो हैं, तो आई थिंक इन लोग को हम लोग की पूरी इंडियन टीम की तरफ से, और जितने खिलाड़ी रहे हैं हमारे टीम के, उनकी तरफ से सैल्यूट है। भले ही चंद कदमों पर खड़ा है दुश्मन, सात समंदर पार होगा सबसे बड़ा रन। डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। बल्ला हो या बंदूक, पस्त होगा पाकिस्तान। हर मोर्चे पर मुंह की खाएगा पाकिस्तान, हर जंग में पानी मांगेगा पाकिस्तान, हर मैदान पर हारेगा पाकिस्तान। एलओसी से लंदन तक हारेगा पाकिस्तान। पहले बॉर्डर पर सेना के हाथों करारी हार, अब ओवल में मात खाएगा पाकिस्तान। जवानों ने धोखेबाज पाकिस्तानियों के दांत खूब खट्टे किए। पीठ पर छुरा मारने वाले पाकिस्तानी फौज की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया। अब एक बार फिर आज विराट के शेरों की बारी है। जीत को एक बार फिर ओवल में दोहराने का सुनहरा मौका है। तो पाकिस्तान जिस तरह बॉर्डर पर हर मोर्चे पर मात खाता है, ठीक उसी तरह वो आज ओवल में विराट के धुरंधरों के हाथों पीटेगा। एलओसी पर पिटने के बाद अब ओवल के मैदान में धूल चाटेगा। जिस प्रकार से हमारे जवान बॉर्डर पे पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं, तो हम सभी को ये उम्मीद है कि इसी प्रकार से हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान को करारा जवाब दें और चैंपियंस ट्रॉफी को जीत के लेके आए। बॉर्डर पर बीएसएफ जिस तरह मुंह तोड़ जवाब देती है पाकिस्तान को, उसी तरह अगर प्ले ग्राउंड में भी अगर इंडिया टीम मुंह तोड़ जवाब दे तो बड़ी खुशी होगी। आज ब्रिटेन के ओवल में फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आज क्रिकेट के मैदान में हमारे योद्धाओं की भिड़ंत पाकिस्तानी टीम से होनी है। ये एक और मौका होगा जब हम पाकिस्तान को गहरी चोट देंगे, यानी बॉर्डर के बाद ओवल में पाकिस्तान को मात। आज तक ब्यूरो। लंदन के ओवल में आज दोपहर 3 बजे भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी ताकत से उतरेगी, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार पहुंची पाकिस्तानी टीम जीत के लिए अपने सब कुछ लगा देगी। वहीं विराट के धुरंधर हर हाल में पाकिस्तान को मात देने की रणनीति से उतरेंगे, यानी कि मुकाबला जोरदार है। देखिए, हम तो हर मैच जो खेलते हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं। स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड्स और जो पहले हुआ है उसमें हम बिलीव नहीं करते, ना हम कभी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हमारा एम ये रहता है एज अ टीम, हम अच्छा एक कंप्लीट क्रिकेट मैच खेलें और रिजल्ट हमारी तरफ हो। हर टीम का वही इंटेंशन रहता है। तो आप किसी भी मैच में ये सोच के नहीं जा सकते कि पिछले मैच आप कितनी बार जीते हैं उस ऑपोजिशन से। दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, ये एहतियात भी लाजमी है, क्योंकि बल्लेबाज नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के गेंदबाजों ने हाल के मैचों में गजब की लय हासिल की है। यही वजह है कि कप्तान कोहली टीम इंडिया की रणनीति को लेकर बेहद सतर्क है। We're not going to take anything for granted for sure. It doesn't matter whether we win by 9 wickets, we win by 1 wicket. We're just going to go there and try to do the same things again and again. Be boring as a team and hopefully the results will come. इंग्लैंड दौरे पर अब तक भारतीय सलामी बल्लेबाज छाए रहे हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन पूरे फॉर्म में हैं। शिखर 2013 में हुए पिछले चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ही फाइनल को भी दोहराने का मादा रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में विराट, युवी और धोनी जैसे दिग्गजों का दम है, तो लोअर ऑर्डर में हार्दिक पांड्या और आर अश्विन जैसे ऑलराउंडर किसी भी गेंदबाज के आसान शिकार नहीं है।
ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों की पारी जोरदार है, लेकिन ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी टीम अपनी गेंदबाजी का जोर लगाएगी। मोहम्मद आमिर, हसन अली, जुनैद खान और रुमन रईस जैसे तेज गेंदबाजों के साथ शादाब खान और इमाम वसीम जैसे स्पिनर किसी भी टीम के खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं। I don't see any relevance of the first game here because you can never tell how a particular team starts a tournament. Some teams start very confidently and then they fade off. Some teams might not have the best starts and they come back amazingly, which Pakistan has done. Strategy जो है वो match by match हमारी बनती है और जैसे pitch react जैसा pitch देखते हैं उसके मुताबिक जो है हम लोग अपनी strategy बनाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान chasing में अच्छा, लेकिन हमने पहले batting भी की, उसके बाद जो यहाँ पे जो strategy उमन जो टीमें इख्तियार कर रही है ज्यादातर वो यही है कि अर्ली ऑन जो है वो दूसरी टीम को खिलाया जाए और बाद में चेस किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे एक तो आउटफील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है और विकेट बहुत ज्यादा बाद में अच्छी हो जाती है, तो हर टीम अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाती है, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। पाकिस्तानी ओपनर अजहर अली, फखर जमा और मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और कप्तान सरफराज को इस बात का पूरा एहसास होगा कि 4 जून को उनकी पारी भारत के सामने कैसे लड़खड़ाई थी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों से निपटने के लिए उनकी रणनीति अलग होगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, बाद वक्त बॉलर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि एक आध बाउंड्रीज लग जाती है, तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया है इंडिया के मैच के बाद। आप देखें डेथ ओवर में हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बॉलिंग की, हमने उनके जितने भी बैट्समैन थे उनको नई हिट मारने दी, उसके बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ भी, तो आई थिंक बॉलर ये डे बाई डे हमारे बॉलर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। आई थिंक कह जाता है टीम मैनेजमेंट को, कोच को, बॉलिंग कोच को कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो गलतियाँ पिछले मैचेस में हुई हैं इंशाल्लाह वो इस मैच में ना हो। भारत और पाकिस्तान के करीब 150 करोड़ क्रिकेट फैंस के अलावा दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर ओवल पर एक बेमिसाल फाइनल का इंतजार कर रही है। क्रिकेट मैदान के सबसे लोकप्रिय मैच की बेताबी को लेकर हर लम्हा फैंस की धड़कनें तेज कर रही हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाले 100 ओवरों के मैच की एक एक गेंद की रणनीति पर फैंस की गहरी नजर होगी, इसलिए सुपर संडे के दिन सुपर हिट फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट प्रेमी पूरे साजो सामान के साथ टीवी सेट के पास बैठेंगे, पर जोश जुनून से इतर ये 100% सही है कि रणनीतियों से आगे जो टीम क्रिकेट का बेहतर हुनर दिखाएगी जीत उसी की होगी। विक्रांत गुप्ता, लंदन आज तक। सुपर संडे में आज हिंदुस्तान के लिए 3 बड़े मुकाबले हैं, इन तीनों मुकाबलों में शानदार जीत की उम्मीद है। पहला और सबसे अहम टक्कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ है। लंदन के ओवल में खेले जाने वाले इस मैच में भारत का दावा सबसे मजबूत है। वहीं लंदन में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रोमांचक टक्कर होगी। ये मुकाबला है वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर का। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने पाक के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सुपरहिट संडे का तीसरा सुपरहिट मुकाबला इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज का फाइनल होगा, जहां शटलर के श्रीकांत जापान के काजुमासा साकाई से भिड़ेंगे। किदांबी श्रीकांत ने कल सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी सोनवान को हराकर फाइनल में जगह बनाई।